हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लीब्रा कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है लीब्रा कैल्क की। यहां पर देख सकते हैं सीरियल नंबर इंसर्ट कराया। अब सीरियल नंबर इंसर्ट कराना तो बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना। इसको मैं हटा देता हूं और फिर मैं आपको सीरियल नंबर इंसर्ट करा के दिखाता हूं। यहां पे लिखिए 1, यहां पे लिखिए 2, दोनों को सिलेक्शन में लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर इसको ड्रैग करवा दीजिए तो ये सीरियल नंबर सीक्वेंस वाइज इंसर्ट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसमें से कोई एक रो डिलीट हो जाए, देखिए एक रो को डिलीट किया तो यहाँ 1 के बाद डायरेक्टली 3 आ जाता है, 2 तो गायब ही हो जाता है। तो ये सीक्वेंस ना डिस्टर्ब हो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला मैंने पहले भी यूज करके बताया है आपको एक्सेल में, इसमें भी यूज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला इफ का है, तो इफ लगाइए और इफ लगाने के बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए, C2 को इज इक्वल टू का निशान लगाइए, यहाँ पर डबल कोट्स ओपन कीजिए, फिर क्लोज कीजिए गैप दे करके, फिर कॉमा दीजिए, फिर डबल कोट्स को ओपन कीजिए, फिर क्लोज कीजिए, क्लोज करने के बाद कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर मैक्स का फॉर्मूला लगाना है। ये कुछ इस तरीके से मैक्स का फॉर्मूला लगेगा और मैक्स का फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पर आपको देना है A1। क्या देना है, A1, कुछ इस तरीके से A1 दे दीजिए। F4 दबा के फ्रिज कीजिए इसको, फिर यहाँ पर कोलन लगाइए, फिर A1 दे दीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। A1 देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दे देना है +1, तो बस +1 दे दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये देखेंगे कि यहाँ पर एक नंबर इंसर्ट हो गया है और यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रैग करवाता हूँ तो ये 2, 3, 4, 5 इस तरीके से इंसर्ट होता चला जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहां से एक रो डिलीट कर देता हूं, देखिएगा एक रो डिलीट करूंगा, अगर मान लीजिए कि ये रो मैंने डिलीट कर दिया, ये देखिए यहां से डिलीट करता हूं तो यहां पर ये देख सकते हैं, यहां पर आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा कि यहां पे 2 हट गया है, 2 के बाद 3 जो है यहां पे दिखाई पड़ रहा है, 2 तो दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। देखिए ना ये जो है ये हिस्सा, देखिए इसको मैं रेड कलर से कर देता हूँ, फिर देखिए ना 1 के बाद 2 दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, सीक्वेंस आपका नहीं चेंज हुआ। अगर मैं 4 नंबर रो को डिलीट कर देता हूँ तो ये देखिए अभी भी सीक्वेंस इसका बरकरार है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1, 3, 5 आ गया। तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप सीक्वेंस को बरकरार रखना चाहते हैं तो आसानी के साथ कर सकते हैं। कैसी लगी ये वीडियो कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।